الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته how are you all i hope you all are fine by the grace of almighty allah and inshallah you will be safe students humne apna chapter complete kar liya humne page number tak apni reading ko complete kar liya hai page number 5 tak aur ab hum aayenge थोड़ा सा एक रिव्यू लेंगे कि व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर इज इट स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या पढ़ा था वी रेड अब्दुल्ला और हमजा के बारे में कि वो दोनों उनकी एक्टिविटी क्या थी कि वो पार्क में गए और हमजा ने वहाँ पे रैपर फेंका अब्दुल्ला ने उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया फिर उसके बाद हमने आगे पूरे चैप्टर के एंड में हमने क्या सीखा यस वी हैव लर्नड प्रैक्टिसिंग क्लीनलीनेस है ना हमने इस यूनिट से क्या सीखा कि हमें मुसलसल सफाई का एहतमाम करना चाहिए और दूसरों को भी इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए ताकि मेरा और आपका मुल्क जो है वो आर पाकिस्तान विल लुक क्लीन एंड ब्यूटिफुल और हमारा शहर भी खूबसूरत लगे ठीक है स्टूडेंट्स थ्रू दिस यूनिट नंबर 1 वी हैव लर्नड व्हाट वी हैव लर्नड यस प्रैक्टिसिंग क्लीनलीनेस ठीक है मैंने एक हदीस भी यहाँ बोर्ड पे लिखी है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ यानी सफाई निस्फ ईमान है तो ये हम पे लाजम हो गया ना बहैसियत मुसलमान के हम अपने आप को साफ सुथरा रखें और उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं उसको भी साफ सुथरा रखें नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट What we have learned, the message what we have learned through this chapter. Here I have written some key points. हाँ जी यहाँ key points मैंने लिखा है कि हम जब वी जस्ट टेक अ रिव्यू कि हम इससे थोड़ा सा दोबारा से हम इसको रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सीखा वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस कि हमें क्या करना चाहिए जी बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस को आम जगहों को जहाँ पे लोग आते जाते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ पार्क हमें पार्क में जाने के रूल्स कानून पता होने चाहिए उसूल पता होने चाहिए अक्सर बच्चे रैपर्स वगैरह फेंकते हैं वो सब हमें नहीं करना चाहिए वी शुड यूज डस्टबिन टू थ्रो ट्रैश हमें कोई भी चीज़ फेंकनी हो तो हमें क्या करना चाहिए डस्टबिन यानी डस्टबिन इस्तेमाल करना चाहिए कूड़ादान ताकि हमारा कचरा इधर उधर ना फैले लास्ट पॉइंट हमने जो सीखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर बच्चे इसको फॉलो नहीं करते हैं और पार्क वगैरह में अकेले चले जाते हैं वी मस्ट गो एनी वेयर विद एन एडल्ट हमें पार्क हो या कोई और ऐसी पब्लिक प्लेस हो हमें बगैर किसी अपने बड़े के यानी अम्मी हो या अब्बू हो दादा हो दादी नानी उनके बगैर किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए इज इट क्लियर हियर आई हैव रिटन 15 वर्ड्स विच वी हैव हाईलाइटेड इन द बुक ठीक है हमने जो बुक पे निशान लगाया था वर्ड मीनिंग के लिए यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है फर्स्ट वर्ड है ब्राइट इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव और इंग्लिश मीनिंग फुल ऑफ लाइट यानी चमकीली या चमकीला ठीक है सेकेंड वर्ड इज सनी दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव And it means bright with sunlight, यानी तेज धूप की रोशनी यानी चारों तरफ जैसे सुबह तेज धूप निकलती है अच्छी भी लगती है जैसे वो लोग गए थे पार्क में संडे को थर्ड वर्ड है डिसाइड ये वर्ब है एक्शन वर्ड है टू प्लान यानी कोई मनसूबा बनाना या कोई फैसला करना ठीक है यहाँ पे मैंने एक ही मीनिंग लिखी हुई है फैसला करना आप और भी मीनिंग ढूंढ के लिख सकते हैं फोर्थ वर्ड इज नेबरहुड इट्स अ नाउन इट मींस एरिया मोहल्ला यानी नेबरहुड हमारे अक्सर घरों के इर्द गिर्द छोटे छोटे पार्क्स होते हैं ना उसी के बारे में फिफ्थ स्पिरिट स्पिरिट नाउन है यानी एनर्जी जोश कोई बलबला जैसे कि कोई किसी चीज़ के लिए हम प्लान करते हैं और खुश हो रहे होते हैं सो वी आर ऑन हाई स्प्रिट सिक्स एंटर इट्स ऑल्सो वर्ब टू गो इनटू कहीं दाखिल होना किसी कमरे में किसी बिल्डिंग में ठीक है जैसे वो पार्क में दाखिल हुए थे सेवन थ्रो इट्स ऑल्सो वर्ब टू हर्ट टू फ्लिक फ्लिक मीनिंग भी है
इसका मतलब है फेंकना, उछालना। हम बॉल को उछालते हैं, फेंकते हैं ना, या कोई भी चीज, जैसे उसने क्या किया था, उसने फेंका था जमीन पे रैपर। ट्रैश इट्स अ नाउन, गार्बेज यानी कचरा, कूड़ा। नाइन्थ रैपर इट्स अ नाउन, इट इज ऑल्सो अ नाउन। अ कवर, गलाफ, वैसे तो हमने गलाफ लिखा लेकिन हम लोग गिफ्ट को रैप करते हैं ना, हम रैपर यूज करते हैं। टेंथ हीप इट्स ऑल्सो अ नाउन। पायल, अंबार, ढेर। अक्सर घरों में भी कभी कॉपी किताबों का भी ढेर होता है कचरे के अलावा भी, है ना। इलेवेंथ है प्रोटेक्ट इट्स ऑल्सो अ वर्ब। प्रिवेंट सेव यानी हम किसी चीज़ की हिफाजत यानी करना, किसी चीज़ की, किसी चीज़ को बचाना। और हमें इस सबक में क्या मिला है, हमने क्या सीखा है, हमने अपने मुल्क को साफ सुथरा करना है, हमें गंदगी से उसकी हिफाजत करनी है। ट्वेल्थ वर्ड इज ह्यूज इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव और इसका मतलब है बिग, उर्दू बड़ा। 13 नोटिस वर्ड टू पे अटेंशन, तवज्जो देना, किसी तरह गौर करना, ठीक है। हमजा ने क्या नहीं किया था, पार्क क्रूज को नोटिस नहीं किया था, फिर उसको अब्दुल्ला ने बताया कि चलो आप पार्क के गेट पे चल के पार्क क्रूज पढ़ते हैं। 14 है डैमेज इट्स ऑल्सो वर्ब दैट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। अक्सर स्कूल में भी बच्चे जो हैं बेंचेस को, चेयर्स को वाइटों से या किसी मार्कर से ख़राब करते हैं ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 15 वर्ड है अडल्ट इट्स ऑल्सो नाउन, जैसे हमने पढ़ा था पॉइंट में कि मस्ट गो एनीवेयर विद एन अडल्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अ ग्रोन अप पर्सन यानी कोई घर का बड़ा, ठीक। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कोई बड़ा हमारे घरों में बड़े होते हैं, अम्मी अब्बू हैं, बड़े भाई होते हैं, तो उनके साथ या नाना नानी दादा दादी उनके साथ हमें किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना चाहिए। आई होप यू विल लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव रेड ऑल द कीवर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, सो लेट्स कम टू द बुक। Here we have some exercises. Open page number 6. In page number 6, we have two exercises. First exercise is, read the text and choose one suitable title. Suitable title का मतलब है उसका एक आप मखसूस एक खास जो है इंतखाब करें उसके heading का। For the text from the ones given below, circle the most suitable title. Here we have, they have given us 4 titles, और उसमें से हमें 4 में से हमें कोई एक अच्छा मुनासिब टाइटल चूज करना है। अब हम लोग टैलेंट पढ़ती हूँ मैं, फिर बताए मैं, मेरे पास भी इसका ऑप्शन है, बट मैं चाहूँगी कि आप इसमें से सेलेक्ट करें कि आपकी क्या राय है। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, ब्यूटिफुल पार्क, खूबसूरत पार्क, कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, पब्लिक प्लेसेस को साफ रहना चाहिए, संडे आउटिंग, किस संडे की तफरी। यू हैव टू टेक द करेक्ट सूटेबल टाइटल, इन चार में से आपको जो आपको ठीक लगे उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। दिस इज आवर वोकैबुलरी एक्सरसाइज नंबर 2। मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स एंड राइट योर आंसर इन द आंसर कॉलम, फॉलो द एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, वर्ड, मीनिंग एंड आंसर। फर्स्ट ट्रैश, नाउ फाइंड द मीनिंग फ्रॉम दिस कॉलम। वी हैव आंसर हियर, उन्होंने एग्जाम्पल हमें पहले से दी हुई है, ई यानी ट्रैश मैचेस ई means garbage, यानी trash match कर रहा है garbage से। हमने पढ़ा था ना trash के मायने क्या थे, कचरा, कूड़ा, तो garbage के मायने भी कचरा कूड़ा के हैं। ओके, सेकेंड वर्ड इज heap, heap find out, yes, heap matches d pile, यानी अंबार, ढेर। so here I have written for you
बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल के मैंने यहाँ लिख दिया है कि एग्जाम्पल दिए, बट रिमेनिंग नंबर्स विल बी डन बाय यू. ओके, 3, 4, 5, 6 ये आपको खुद करना है ढूंढकर. नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 7. हेयर एक्सरसाइज नंबर 3. ये एक्सरसाइज किस लिए है? रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. हमने टेक्स्ट को पढ़ ही लिया है, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है. टिक ट्रू टी, यानी आपको ट्रू में टिक करना है. अगर जुमला स्टेटमेंट ठीक है, सही है, सच है, हकीकत है, तो आपको उसमें करना है. इफ दे आर करेक्ट एंड फॉल्स, अगर वो गलत है तो फिर आपको एफ पे टिक करना होगा. दे आर, इफ दे आर इनकरेक्ट, फॉलो द एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल दी भी है, अब्दुल्ला एंड हमजा सेट आउट फॉर द पार्क ऑन अ रेनी डे. वो रेनी डे था, बारिश का दिन था? नहीं, वो एक सनी डे था, यानी फुल धूप निकली हुई थी. सेकेंड इज हमजा थ्रू अ बिस्किट रैपर ऑन द ग्राउंड. हमजा ने क्या किया था? बिस्किट रैपर जमीन पे फेंका था. सोचिए जी, हमजा ने बिस्किट रैपर जमीन पे नहीं फेंका था. उसने तो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? द स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब हमें क्या कर, जी हमजा थ्रू अ बिस्किट रैपर ऑन द ग्राउंड, यानी हमजा ने बिस्किट रैपर नहीं फेंका था, उसने आइसक्रीम रैपर जमीन पे फेंका था. तो इसलिए हम इस पे फॉल्स पे टिक लगाएंगे. पिछली एक्सरसाइज की तरह आपको बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज खुद से टेस्ट को दोबारा पढ़ के सॉल्व करनी होगी. नो क्लास, दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ बुक, एक्सरसाइज नंबर 4. इसमें क्या करना है हमें? रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट दी सेंटेंसेस. सेंटेंस कम्स फर्स्ट इन द टेक्स्ट, विच कम्स सेकेंड. में हमें करना क्या है? इसमें हमें सारे सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ठीक है? और अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले इसकी रीडिंग करनी होगी, है ना? सो लेट्स रीड विद मी. इफ वी ऑल थ्रो सिंगल पीसेज ऑफ ट्रैश, इट विल सून क्रिएट अ रबिश हीप इन द पार्क. थ्रोइंग अ सिंगल रैपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. दे स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम. Therefore, we must follow the park rules here. Let's see the park rules so that we know what we should do and not to do in the park. You should not throw your ice cream wrapper on the ground. Oh, yes, I got it. I got first one. See, they stop outside the park to buy some ice cream. ये हमारा पहला जुमला था ना, कि उन्होंने पहले क्या काम किया? उन्होंने आइसक्रीम खरीदी. सेकेंड तलाश करते हैं, क्या किया था उसने आइसक्रीम खाने के बाद? यस, उसने हमजा को किसने रोका था? अब्दुल्ला ने. यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रैपर ऑन द ग्राउंड. दिस इज आवर सेकेंड करेक्ट अरेंज सेंटेंस. स्टूडेंट्स रिमेनिंग सेंटेंसेस वुड बी डन बाय यू. बाकी आपको खुद करना है, ठीक है? And these 1, 2, 3, and 4 exercises are given in your homework. So please, students, note down your homework. Do complete exercises 1, 2 of page 6, 3 of page 7, and 4 of page 8 in your book. ये आपको किताब में करनी है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.